guys, basically as well. एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल कैसे कॉपी की जाती है, देन उसके अंदर मूव कैसे किया जाता है डेटा में, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा वर्क है कि एक असाइनमेंट नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है। उसके अंदर दो फोल्डर क्रिएट करना है, सोर्स और डेस्टिनेशन नाम के। इसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, जिसके बाद उस फाइल को यहाँ कॉपी कराना है। ठीक है, ऐसे करिए। अब वहाँ पे डेट देख सकते हो, आज 3 अगस्त है। यहाँ पे बिग बेस ओपन कर देता है। सबसे पहले हम एक वर्किंग डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं, जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर सी के अंदर यूजर के अंदर फ्रेंड्स के अंदर है। ठीक है, अभी वहाँ पे जाते हैं। चेंजेस करने के लिए एक फोल्डर भी होगा, इसके अंदर पे यूजर्स के अंदर पे यहाँ पे फ्रेंड्स फोल्डर ओपन कर दिया। तो यहाँ पे हमारा वर्क था कि असाइनमेंट फोल्डर क्रिएट करना। यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना देते हैं असाइनमेंट नाम। तो यहाँ देख सकते हो एक डायरेक्टरी बनकर आ रही है। इसके अंदर असाइनमेंट ओपन कर देता है फोल्डर। अब यहाँ हमें दो फोल्डर बनाने थे, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स करनी है, डेस्टिनेशन। अब इसके बाद वर्क था इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो कमांड रहता है एसी रिप्रेजेंट का फाइल बनाना। ठीक है, ओके, आई थिंक ये बात क्रिएट होगी। इसके सोर्स के अंदर जाना पड़ेगा, एक बार इसको फाइल के रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे जाते हैं हम सीडी के अंदर, सोर्स के अंदर। सोर्स के अंदर जाने के बाद हमको यहाँ क्रिएट करनी है ये फाइल। अब यहाँ पे जाने के बाद अब इस फाइल को क्या करना है, इसको भी ओपन कर देते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके अंदर जो फाइल पड़ी है, ठीक है, उसको इसमें कॉपी कराना है। यहाँ पे कॉपी के लिए एक कमांड आता है सीपी करके। तो अब यहाँ फाइल का एड्रेस क्या है, सोर्स। तो सबसे पहले हम एक असाइनमेंट डायरेक्टरी में जाएंगे पहले। ठीक है जी, उसको थोड़ा एक्सेस मिल पाएगा तो फायदा होगा। एक्सेस मिल पाएगा तो अब वो कॉपी कराने के लिए कमांड आते हैं सोर्स पर, देन फाइल का नाम क्या है, abc डॉट txt। सबसे पहले हमें एक और वर्क भी कराना था, फाइल के अंदर डेटा डलवाना था। ठीक है, वो चीज हम देख चुके हैं, तो डेटा डलवा देते हैं। डेटा
अब ये ब्लैंक फाइल है, ठीक है। ब्लैंक फाइल को एक्सेस कराने के लिए एक मेथड होता है, और यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेलो अब इसके बाद तो ये एडिट मोड ऑन हो चुका है, तो अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डी कमांड यूज करेंगे। कंट्रोल डी यूज किया तो ये एडिट मोड से बाहर आ गया, सेव कर दो, ठीक है। अब इसका जैसे डेटा देख लेते हैं क्या बनाया हमने। हेलो दिस इज टेक फाइल, ठीक है। अब इस फाइल को मूव कराना है सेकंड के अंदर डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले सीडी कर देते हैं, बाहर असाइनमेंट फोल्डर में चले गए। आप इसको कॉपी कराने के लिए कमांड जो है टी में डाल देते हैं, फोल्डर का नाम। ये डायरेक्ट फ्लैश चैनल देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉपी होकर यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा सेकंड टास्क ये होता है कि डेस्टिनेशन के अंदर जो फाइल है, ठीक है, अब इसको डिलीट कराना है। टास्क देख सकते हैं, इस फाइल को रिमूव कराना है, ठीक है। और ये वाली जो फाइल है इसको यहाँ मूव कराना है, ठीक है। तो सोर्स फोल्डर पे हमारा प्लान चला गया, क्योंकि हमारे पास क्या है तो फाइल है इसके अंदर भी इसके अंदर, ठीक है। तो हम इसके लिए कमांड डाल देते हैं, शुरू करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको डेस्टिनेशन फोल्डर में जाना पड़ेगा, सीडी डेस्टिनेशन। यहाँ पे आरंभ के कमांड होता है, तो यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, vc.txt, फाइल चुनो हो चुकी है। यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं इसकी फोल्डर से। अब यहाँ पे इस फोल्डर में जाते हैं, सबसे पहले डायरेक्टली में जाते हैं इसकी, वर्किंग डायरेक्टरी शो करने के लिए कमांड होता है। इधर की बात चले गए तो अब अब यहाँ से इस फाइल को इसमें मूव करना है, ठीक है। मूव करने के लिए कमांड होता है एमवी, देन जो सोर्स है सोर्स डाल देते हैं abc.txt, फाइल का नाम। देन कहाँ रखना है, यहाँ से बात रख करके यहाँ से रखेंगे। यहाँ पे हमारा आई थिंक वर्क पूरा हो चुका है, ये वाला फोल्डर ब्लैंक है और ये वाला बराबर, ठीक है। डेटा भी है इसके अंदर, इसके अंदर जैसे मोड चेंजेस कराना है अगर इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो एक तो कमांड होता है, पहले इस फोल्डर में जाना पड़ता है, इसके बाद फाइल को एक्सेस करने के लिए होता है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो डेटा है अवेलेबल है, ठीक है, उसके अंदर ये एक और डेटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड कर देते हैं, ठीक है। This is second line and abc.txt file that present in
डेस्टिनेशन फोल्डर। अब यहाँ पे कंट्रोल डी कर देते हैं, एडिट मोड से दोबारा जाना। अब यहाँ पे डेटा के प्रेजेंट है, एक बार चेक कर देते हैं। ठीक है, डेटा आ गया। अब यहाँ पे अगर ये डेटा शो कराना है, तो ऐड करवा देते हैं हम। सॉरी, इसका एडिट मोड होना चाहिए। इसको सेव कराएंगे तो वो फाइल ब्लैंक हो चुकी है। बिकॉज ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ पे एक डेटा, ये वाला वर्ड पता है, ये वाला जो कमांड है, इसके अंदर अगर ब्लैंक छोड़ देते तो डेटा रिप्लेस कर देता है। ठीक है, वापस अगर डेटा ऐड करवाना है तो ये वाला कमांड वापस करना पड़ेगा। This is my exercise. ठीक है, तो कंट्रोल डी करा देते हैं। अवेलेबल डेटा के अंदर अब यहाँ पे डेटा शो कराने के लिए कमांड होती है गेट एबीसी डॉट टी। यहाँ पे डेटा बस बेसिकली कुछ ही कमांड सीखे थे। सबसे पहले क्या करता है, PWD जो होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी शो करता है। सीडी क्या वर्क करता है, जिस डायरेक्टरी में हमको जाना होता है उस डायरेक्टरी के साथ ऐड करवाना होता है।